अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के इम्पोर्टेंट लेक्चर, जो कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाए हैं, सिलेक्ट आइटम क्वांटिटी प्राइस टोटल। अब जैसे यहाँ पे मैं एक रो को सिलेक्ट करो तो यहाँ पे उसके नीचे जो है उसके टोटल आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेकंड रो को भी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसके आइटम 2 आ गया और क्वांटिटी उसके 23 आ गया, प्राइस 230 एंड 2690। सो ये टेबल किस तरह बनाते हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँ और नेक्स्ट शीट पे इनको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसके एक सिलेक्ट और यहाँ पे चेक बॉक्स हमने बनाने हैं। सो चेक बॉक्स डेवलपर टैब में बनाएगा। अगर ये डेवलपर टैब आपने कैसे लाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन और यहाँ पे नीचे डेवलपर टैब होगा, ठीक है, इसके ऊपर चेक लगा दे और ओके कर दे तो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद यहाँ पे आ जाए इंसर्ट और चेक बॉक्स यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पे लगा दें। उसके बाद यहाँ से इसकी साइज़ को कम करें और इसकी टेक्स्ट को हमने डिलीट करना है। सो यहाँ से डिलीट, इसकी टेक्स्ट जो वो डिलीट हो गया और यहाँ से बाकी रोज को भी सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस डी प्रेस करके अब यहाँ पे हमने इसके साथ लिंक बनाया। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ना ट्रू और ना फॉल्स आ रहा है, तो हमने कैसे लाना है, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके और यहाँ पे आ जाए फॉर्मेट कंट्रोल और यहाँ पे सेल लिंक, इस सेल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से जस्ट ओके प्रेस करें और यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल सेल लिंक और ओके कर दें। तो यहाँ से जैसे मैं चेक लगाऊँ तो यहाँ पर ट्रू आ जाता। उसके बाद राइट क्लिक करके बाकी भी सेम इसी तरह करें और इनका लिंक बना ले, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल सेल लिंक और यहाँ पे ओके कर दे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल और सेल लिंक ओके कर दे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब इसके फॉर्मेट बनाना है। सो फॉर्मेट के लिए हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हम एक टोटल और इस रो को भी मैं हाईलाइट करूं उसके बाद अब यहाँ पे मुझे उसके सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट देना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करें और उसके बाद फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल और यहाँ पे यूज़ अ फार्मूला सिंपल इक्वल लगा दे और जो फर्स्ट सेल है उसको सेलेक्ट करें और जो रो के साथ डॉलर आ रहा है उसको आपने रिमूव करें फॉर्मेट और यहाँ पर कलर चूज करें, ओके कर दें और यहाँ से ओके कर दें। अब देखो जैसे ही मैंने थर्ड को भी सिलेक्ट किया तो यहाँ पर थर्ड जो है वो हाईलाइट हो गया, अब ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने करना क्या है कि यहाँ पर जैसे ही मैं इन दोनों रो को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर उसके आइटम आ जाए और उसकी क्वान्टिटी यहाँ पर आ जाए और इसके प्राइस एंड टोटल आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिखूँ, काउंट इफ टैप प्रेस करें और रेंज सेलेक्ट करें। रेंज आपने कौन सी, इस रेंज में हमने देखना है। सो यहाँ पर रेंज मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद सिंपल कॉमा लगा दिया। अब हमने क्राइटेरिया क्या देखने हैं, ट्रू के यहाँ पे जितने ट्रू आए उसको आपने सेलेक्ट करने हैं, डबल कोट कंट्रोल इंटर प्रेस। तो यहाँ पर हमने दो को सिलेक्ट किया, यहाँ पर दो आ गया। अब जैसे मैं इसको ख़त्म करूँ तो यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर इसमें हमने सम एफ की फार्मूला लगाना है, सम एफ टैप प्रेस। रेंज हमने क्या देना है, रेंज यहाँ पे सेम और कॉमा, उसकी क्राइटेरिया ट्रू देखना है हमने और डबल कोट कॉमा। अब सम रेंज किस में अपने सम करने हैं, सम रेंज यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट बंद इंटर प्रेस। तो यहाँ पर ये उसके टोटल आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पर 25 आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसकी सिंपल आपने कॉपी निकालें कंट्रोल प्लस सी और यहाँ पर आपने पेस्ट करें, डबल क्लिक करें। अब जो यहाँ पे हमने एच लिखा हुआ है इसके हमने ये एफ जो हमने लिखा है इसको हमने सिंपल ई करना है। सो यहाँ से इनको डिलीट करें और यहाँ पे भी ई और बाकी सेम है। सो यहाँ पे इंटर प्रेस करें, 250 इसकी टोटल आ जाए। उसके बाद कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करें। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, और ई यहाँ पे भी E7 कर दे और यहाँ पे भी E7 और यहाँ पे ओके कर दे। सो यहाँ पे उसकी टोटल आ जाएगा
वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और लर्न कंप्यूटर विद एक्सपर्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू.